सलग सुट्ट्यांमध्ये आलेल्या पहिल्या विकेटमुळे आज पहाटेपासून शिर्डीत साई भक्तांनी मोठी गर्दी केलेली आहे। आज पहाटेपासून शिर्डीत साई नामाचा जयघोष सुरू आहे। इकडे जर पाहिलं तर दिवाळीची सुट्टी आणि त्यातच आलेला हा पहिला विकेट, त्यामुळे राज्यभरातून भाविकांनी आपल्या कुटुंबासमवेत शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी केल्याचं चित्र या ठिकाणी दिसून येत आहे। आता मी साई समाधी मंदिर परिसरात आहे। या ठिकाणचं जर दृश्य पाहिलं तर पहाटे काकड आरती झाल्यानंतरच या ठिकाणी मोठी गर्दी साई भक्तांनी केलेली आहे। राज्यभरातून साई भक्त आपल्या कुटुंबांसमवेत आपल्या मुलांना आणि वयोवृद्ध जे आपल्या घरातील असतील त्या सगळ्यांना घेऊन या ठिकाणी आलेले आहेत आणि एक मोठी गर्दी या ठिकाणी शिर्डीत साई भक्तांची दिसून येते। काही साई भक्त आपल्या बरोबर आहेत, त्यांना आपण कहां से आए हो आप दिवाली में आज साई का दर्शन ले रहे हो, क्या लगता है? बड़ी हम गाजियाबाद से आए हैं और दिवाली पे बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, हमारे मतलब हमारा सौभाग्य की बात है। अच्छा अच्छी लगा यहाँ पे। क्या दिवाली साई के दरबार में आप मना रहे हो, दिवाली के छुट्टियों में आए, क्या लगता है? साई के दरबार में आके हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पहले भी हम कई बार दीपावली के टाइम पर ही बाबा की शिरडी में यहाँ पर आए हैं। ये क्योंकि हमें अपना घर लगता है, मतलब जैसे एक बेटी अपने मायके में जाती है, और कोई भी ऐसी बेटी होती है जो मायके में जाती है उसकी अलग ही खुशी मिलती है। तो हम यहाँ मायके से जब वापस लौट के जाती है तो रोना भी आता है, वही फील हमें भी हो रहा है क्योंकि बाबा मतलब एक अपना ही ऐसा महसूस कराते हैं, मतलब ऐसा महसूस होता है कि बाबा मेरे अपने हैं। निश्चितच जर पाहिलं तर भाऊबीजेच्या सणामध्ये अनेक जण आपल्या बाहेर जातात, तशीच भावना या ठिकाणी साईंच्या दर्शनाला आल्यावर महिलांना वाटते। नितीन ओझा, एबीपी माझा, शिर्डी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।